गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अलका जानला। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड घर पे होंगे। सो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी द्वारा यह नाम उन उन वस्त्रों को के लिए दिया गया है जिन पर सोने चांदी के महीम तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। जो ये नाम है ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको ब्रोकेट बोलते हैं। जिन वस्त्रों पर सुनहरे धागों से वर्क किया जाता है उसको ब्रोकेट बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे नमूने प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। अन्य धागे लगभग छिप जाते हैं और यह सुनहरे व चमकीले धागे प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इन वस्त्रों के निर्माण के लिए सूरत, बनारस व अहमदाबाद प्रसिद्ध हैं। जो ये ब्रोकेट धागा फैब्रिक होता है, ये ज़्यादातर लहंगों पर यूज़ किया जाता है। लहंगे बनते हैं, जो जिस कपड़े में, ये जो ब्रोकेट होता है ये प्रॉपर ही सिल्क के धागे का होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि लहंगे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो बीच बीच में बूटे बनाए जाते हैं वो सुनहरे धागे से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्रोकेट के प्रमुख किस्से इस प्रकार से हैं। बैठ या पठन थान, जो इस ब्रोकेट वस्त्र को प्रमुख रूप से रेशम द्वारा निर्मित किया जाता है, बीच बीच में सुनहरे आकर्षण नमूने भी चित्र अंकित किए जाते हैं। इन वस्त्रों को लहंगे आदि या अचकन वस्त्र बनाने के उद्देश्य से प्रयोग में किया जाता है। जो आपने देखा भी होगा, इसमें जो जो ये ब्रोकेट धागा है इसको बेल्ट बनाने में भी एक तो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो ये फैब्रिक होता है ये प्रॉपर रेशम के धागे का होता है, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया, ये प्रॉपर ही रेशम के धागे का बनता है। एंड जो ये होता है ये ज़्यादातर ही लहंगों में यूज़ किया जाता है, ब्राइडल लहंगे में या नॉर्मल लहंगे में इसका यूज़ होता है। और आपने देखा भी होगा, ब्राइडल जो लहंगा होता है वो कभी कभी बोलते हैं कि बनारस से है या अहमदाबाद से बन के आया है। ये फेमस जगह है जहाँ पे ब्राइडल के फेमस लहंगे बनते हैं, या नॉर्मल लहंगे जो हमारे बनते हैं, या रेशम सिल्क में जो बनता है या रेशम के धागों से जो बनता है वो वहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। कम ख्वाब का शाब्दिक अर्थ है स्वपन के समान सौंदर्य युक्त व वस्त्र विलास व वैभव के प्रतीक माने जाते थे। इन ब्रोकेट वस्त्रों पर सोने चांदी के तारों से उभरे हुए नमूने वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। जो कम ख्वाब का शाब्दिक अर्थ होता है स्वपन के समान, कम ख्वाब का होता है कि सपने में सोचना कि हम भी ये वस्त्र पहने, ये उस टाइम पे बहुत कम लोग पहनते थे इनको, पहले हर कोई लोग इनको नहीं पहनते क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती होते थे। तो राजा महाराजा या रानियाँ या राजा के यहाँ पे पर्दे लगते थे, ये चीज़ें बहुत कम, पहले आपने देखा भी होगा जो गरीब लोग होते थे वो उनको तो सूती या इस तरीके के कुछ वैसे कपड़े पहनते थे, राजा महाराजा के यहाँ यहीं पर ज़्यादा ये ज़्यादा चलते थे, ठीक है। तो बाकी लोगों के तो सपने के समान ही था कि हाँ हम भी ऐसे वस्त्र पहनेंगे, मैं भी इतना बड़ा होके ये वस्त्र पहनूंगा या ऐसा बनूंगा, एक तरीके से तो ये भी एक स्वप्न के समान ही था। वो लोग सब सपने में ही सोचते थे कि हम भी ऐसे वस्त्र पहनेंगे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे तो बस यही है कि सब पहनते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि छोटे लोग नहीं पहन सकते, वैसी ही क्वालिटी में सब तरीके के वस्त्र मिलते हैं, ठीक है। इन ब्रोकेट वस्त्रों पर सोने चांदी के तारों से उभरे हुए नमूने वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। पहले जो इन पर काम होता था ना वो सोने चांदी का होता था, सोने तारों का काम, सोने के तारों का काम या चांदी के तारों का काम होता था, ठीक है। लेकिन अब जैसे सोने के धागे, सुनहरे धागे का यूज़ होता है या फिर सिल्वर धागे का यूज़ करते हैं उन वस्त्रों पर, ठीक है। राजा महाराजों के टाइम पर वो सोने या चांदी का ही धागों का यूज़ तारों का यूज़ करते थे, ठीक है। इन नमूने की वजह से संपूर्ण वह स्त्री सोने चांदी के तारों से बना दिखाई देता था। इन वस्त्रों में पुरुषों के वस्त्र अचकन टोपी, जो अचकन बोलते हैं ना वो टोपी को बोलते हैं, टोपी पर सुनहरी जो डिज़ाइनिंग बनती थी वह सोने के तारों की ही बनती थी, और जो स्त्री के वस्त्र बनते उन पर सोने जो बूटी बनती थी वो सोने के तारों की ही बूटी बनती थी,
ठीक है, तथा स्त्री के लहंगे व ब्लाउज तथा राज दरबारों में पर्दे आदि बनाए जाते थे। मतलब ब्लाउज जो इस वक्त कपड़े था, मतलब ब्रोकेट था, इनमें ब्लाउज बनता था, लहंगे बनते थे। और जो जो राजा दरबार होते थे ना, राजा महाराजा का महल होता था, उनमें कर्टेन बनते थे, मतलब पर्दे बनते थे। ठीक है, ये वस्त्र अधिक कीमती होने के कारण इनका प्रयोग सीमित सीमित था, मतलब सीमित लोग ही करते थे। मतलब एक होता था ना कि मतलब मैं जैसे बता ही रही हूँ कि मतलब जो मतलब अच्छे लेवल पे होते थे, मतलब राजा महाराजा या फिर किसी का अच्छा काम है, मतलब वही लोग इनको इनका यूज़ करते थे। ठीक है, आप एक खे का मतलब होता है ए माइनस खा, मतलब आप हो गया। एक खा का शाब्दिक अर्थ है बहता पानी। ये रेशमी वस्त्र होते हैं, मतलब आपने देखो बहता पानी, मतलब पानी की तरह एकदम सिल्क, मतलब सॉफ्ट होते हैं ना, मतलब चिकने चिकने होते हैं ना, कि बस पानी की तरह जैसे फिसलता जा रहा है, तो इसलिए इसको बहता पानी बोलते हैं। जिन पर सोने चांदी के तारों के सुंदर नमूने निर्मित किए जाते हैं। मतलब उस टाइम पे मतलब इन पर जो आपने देखा होगा, मतलब एक होता था ना एक सिल्क, ये तो नहीं मतलब सिल्क नहीं बोल सकते उसको, मलाई सिल्क, मलाई सिल्क बोलते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होता है एकदम, चिकना चिकना होता है जो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, उसको बहता पानी इस तरीके से बोलते हैं। उस पर मतलब सोने चांदी का ही, मतलब पहले टाइम पे सोने चांदी या ना मतलब तारों का ही यूज़ किया करते थे, मतलब जो कि अब जो लोग करते हैं मतलब एकदम अब आम लोग, मतलब अब बड़े हों चाहे छोटे हों, मतलब सोने का यूज़ तो मुझे नहीं लगता, मतलब अब किसी लहंगे पे या किसी उस पे होता, कोई फेमस मतलब एक्टर ही कर सकता होगा, मतलब जिसके पास काफ़ी पैसा हो, मतलब वही लोग कर सकते होंगे, नहीं तो हम आम लोग तो नहीं कर सकते। मतलब सोने चांदी का 1% चांदी का तो वर्क थोड़ा बहुत करवा भी सकते हैं, पर लेकिन सोने का तो मुझे नहीं लगता करवा सकते होंगे ना, लेकिन पहले टाइम पे सोने चांदी का ही वर्क कराते थे जो बूटे बनते थे। ठीक है, इसे बहते पानी के संरक्षण होने का गुण रहता है, मतलब संरक्षण को मतलब बोलते हैं एकदम होता है ना, मतलब सॉफ्ट होता था, एकदम पानी की तरह से गिर जाता है, जैसे पानी कभी हाथ में टिकता नहीं है, तो वो भी हाथों में ऐसे टिकता नहीं था। ठीक है, हेमरस तथा अमरस वस्त्र। ये वस्त्र औरंगाबाद हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेट वस्त्र हैं, जैसे कि इनके नाम से विदित होता है। ये वस्त्र हिम ऋतु में पहने जा सकते हैं। ये वह वस्त्र सूती जमीन पर रेशमी धागों द्वारा तैयार किए जाते हैं। सिल्क के धागे सूती वस्त्र की सतह पर लंबे लंबे फोल्ड, मतलब फोल्ड इसको बोलते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ये हेमरस तथा अमरस है, ये मतलब एक फेमस जगह पे औरंगाबाद हैदराबाद में निर्मित होते हैं, मतलब इस वस्त्र को मतलब ये वहाँ पर बनाए जाते हैं, इसको भी मतलब ब्रोकेट वस्त्र ही बोलते हैं। जैसे कि इनमें विद्युत होता है, जैसे कि इनके नाम से विद्युत होता है ये वस्त्र हिम ऋतु, हिम ऋतु को जैसे कि आपने देखा भी होगा, हिम ऋतु जब हवा चलती है उसको बोलते हैं, एक टाइम पे आती है ना कि मार्च में शायद या अप्रैल में हवा चलती है ठंडी ठंडी थोड़ी वैसी, तो उनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये वस्त्र सूती जमीन पर रेशमी धागों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा अप्रैल में थोड़ी हवा चलती है, मतलब अजीब सी, तो उस टाइम पे ही बनाए जाते हैं। और मतलब उसी टाइम पे मतलब ये वस्त्र बनाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे। एंड ये मतलब ये वस्त्र सूती जमीन पर रेशमी धागों द्वारा तैयार किए जाते हैं। सिल्क के धागे सूती वस्त्र की सतह पर लंबे लंबे फ्लोट बनाए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब हम जमीन पे एक फ्रेम बना लेते हैं, तो उस पे लंबे लंबे फोल्ड का मतलब होता है लंबे लंबे धागे को लंबा लंबा करना, ऐसे ऐसे फटाफट फोल्ड कर देना धागों को, एक फ्रेम बना के उसको फोल्ड धागे को लपेट देते हैं, मतलब उसको भर देते हैं, जैसे चार पाई बुनते हैं उस तरीके से, तो ये मतलब कपड़ा उस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, मतलब ये ख़त्म हो चुका है। जो मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा ख़त्म होता है।
ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ओके, सो टेक केयर, बाय बाय.